हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिट्टी से एक टाइगर बना के दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की क्ले इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी मदद से मैं आज का ये जो क्ले स्कल्पचिंग है ये करूंगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। और ये रही हमारी आज की जो मिट्टी, जो नेचुरल मिट्टी है, जो हमारे नेचर में मिलती है। तो ये जो मिट्टी है, मैं इसी मिट्टी की मदद से आज का ये जो टाइगर है, जो हंटिंग टाइगर, इसको मैं बनाऊंगा। तो गाइस, ये जो मिट्टी है ये हमारे नेचर में मिलती है, और इस मिट्टी को मैं रेडी कर लेता हूँ क्ले स्कल्पचिंग के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये जो मिट्टी है ये मैं कैसे रेडी करता हूँ क्ले स्कल्पचिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और आज का ये जो क्ले मॉडलिंग है ये मैं बिना किसी स्ट्रक्चर और आर्मेचर के बनाऊंगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर मैं कोई भी आर्मेचर नहीं दूंगा, ये प्योर मिट्टी का होगा। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये जब सूख जाएगा तो ये क्रैक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको स्ट्रक्चर के बिना ही बना रहा हूँ। लेकिन आपका मॉडल अगर क्रैक भी हो भी जाए तो उसके लिए भी आपका चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ कि कैसे आपका जो मॉडल है उसको जो क्रैक है वो कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो गाइज़, अभी चलिए हम स्टेप बाय स्टेप हमारा आज का ये जो हंटिंग टाइगर है ये हम बनाते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर ऐसे ही क्ले मॉडलिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो गाइस, मिलते हैं आपसे वीडियो का एंड में। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, कहीं मत जाइए। Thank you.
सो गाइज, यही थी हमारी आज की क्ले स्कल्पचिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।